Hey everyone, welcome to my kitchen. My name is Pooja. और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भी सैंडविचेस बनाने के टाइम ये ब्रेड के साइज को कट करके सैंडविच बनाते हैं और इनको थ्रो कर देते हैं, कोई आपको समझ नहीं आता कि क्या रेसिपी बनाएं, तो आज का मेरा वीडियो उसी के बारे में है कि बचे हुए ब्रेड के जो साइज होते हैं उनसे हम कौन सी रेसिपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इससे एक रबड़ी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत टेस्टी एंड बहुत डिलीशियस होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं बहुत ही मिनिमल दो तीन इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए हैं। सबसे पहला तो ये पेस्ट जो ब्रेड के साइज हैं वो लेंगे और इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के इनको एक अच्छा सा पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। मैंने ब्रेड को फाइन उसमें क्रम्स में कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा ब्राउनिश सा है। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। मैंने गैस पे पैन रखा है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। ये मैंने हाफ टी स्पून से भी कम घी इसमें ऐड करा हुआ है, बिकॉज मैं यहाँ पे 6 ब्रेड के कॉर्नर्स को यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये गर्म होगा मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूंगी, जस्ट टू फ्राई देम लिटिल बिट। ये देखिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं, मैंने अच्छे से चलाते हुए सॉटे कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स सॉटे हो गए हैं तो अब मैं इसमें 1 कप मिल्क ऐड करूँगी। आप कोई सा भी फुल क्रीम टोन्ड जो मिल्क यूज़ करना चाहते हो उस पर यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूध डाल दिया है 1 कप और कितने अच्छे से बॉईल आ रही है। अब मैं इसे गाढ़ा होने दूंगी, बट मीनवाइल मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। जस्ट लाइक कि मैं एक वेट वॉचर हूँ तो मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज़ करूंगी। ये मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शन है, शुगर आप अपनी चॉइस की डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 चुटकी इलायची पाउडर डालूंगी फॉर अ गुड फ्रेग्रेंस। एंड द लास्ट स्टेप, मैं इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो मैं यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट और ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, कैश्यू, रेजिन, वॉलनट, ब्लैक रेजिन्स। नाउ आर वेट वॉचर्स रबड़ी इज रेडी, जो कि बनी है वेस्ट ब्रेड साइज से। तो अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर करूंगी एंड लेट शो यू द फाइनल लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस रबड़ी। आप इसे ठंडा या गर्म आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। और आप देखा आपने कि कैसे हम जो ब्रेड क्रम्स को फेंक रहे थे उससे हमने कितनी टेस्टी एंड डिलीशियस रबड़ी बना के रेडी करी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक क्विक एंड टेस्टी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।